फालतू की चीज़ों में इमोशनल हो जाओगे तो अपने आप को ही दो चमच्चा लगाओगे अंदर से, बुद्धू के ही क्या क्या कर रही थी वो, मर गया तो मर गया, तुम बिना बजाओ समझ रहे कि नहीं। जब नियति समझ में आ जाती है तो ऐसे ही होगा, अपने आप को ही दो चमच्चा लगाओगे, वो गई तो गई, गया तो गया, अब तुम क्यों रो रहे हो, गिटार है, बिना है, म्यूजिक सिस्टम है, बजाओ लगाओ नाचो वैसे ही होता है क्योंकि उसको पता है ना आत्मा कहीं जाती है ना कहीं आती है, आत्मा एक है। चलिए एक कहानी सुने नीति गोपाल ने। एक गुरु और शिष्य दोनों रास्ते में जा रहे थे, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में, ग्राम मतलब गांव। जब जा रहे थे तो गुरु काफ़ी आगे चल रहा है और शिष्य जो है धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, गुरु के ठीक पीछे पीछे नहीं है, थोड़ा दूरी बना लिया है। क्यों? क्यों वो मतलब इधर उधर देखते हुए परखते हुए, लेकिन गुरु है अपने चलने पर ध्यान देकर चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है। रास्ते में जा रहा था, एक नदी मिली, नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था और जाल फेंका तो उसमें कई मछलियों को पकड़ के लाया, और जिस मछली को ला रहा है शिष्य ने देखा उसके हृदय में भूमिकंप आ गया, हिल गया, रोक नहीं पाया अपने आप को। गुरु आगे निकल गए, शिष्य के पैर अनिच्छा से रुक गए ये घटना को देखकर, और शिष्य उस मछुआरे के पास पहुंचता है और कहता है ऐसा मत करो, छोड़ दो उन मछलियों को पानी में, अहिंसा परम धर्म। लेकिन अभी तो क्या हो गया, हिंसा परम धर्म। तो शिष्य, मेरे गुरु ने कहा अहिंसा परम धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा मत करो, मत मारो इन जीवों को। तो उसको देखा शिष्य का, उसने कहा अपना रास्ता निकलो, मेरा अपना काम करने दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, झगड़ा करने लग गया, लड़ने लग गया उसे। और मछुआरा वो जाल इधर खींच रहा है, ये जाल इधर खींच रहा है, और दोनों झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाजों में दोनों को फाइट स्टार्ट हो गई। ये कह रहे कि अहिंसा परम धर्म है, तुम इसे छोड़ो मछलियों को, और ये कह रहे कि मैं बहुत मेहनत से इन मछलियों को पकड़ा हूं, मैं क्यों छोड़ूंगा, मुझे खाना है, कुछ भी करना है इसके साथ। गुरु बहुत आगे निकल गए तो पीछे घूम के देख रहे हैं, अरे तो है नहीं शिष्य, और आवाज़ भी सुनाई देने लगी। जब वो आवाज़ सुनाई दी तभी वो गुरु रुके और पीछे देखे तो शिष्य तो है ही नहीं, शिष्य मेरा झगड़ा कर रहा है उस मछुआरा से, उस मछली पकड़ने वाले से। अरे ये भी तो बड़ा पटांग शिष्य है, मैंने तो उसको झगड़ा करने के लिए सिखाया नहीं। अब गुरु ने फिर वापस गया उनके पास और शिष्य को पकड़ा और बोला चल मेरे साथ। तो उसने कहा क्यों मुझे खींच के लेके जा रहे हैं, आपने ही तो सिखाया कि अहिंसा परम धर्म है, तो आप मुझे क्यों खींच के लेके जा रहे हैं। क्यों पीछे खींचे जा रहे हैं अब शिष्य जो है गुरु के तो उपदेश मानना पड़ेगा, अब गुरु बोल रहे चलो तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से भी वो जैसे मछली जाल में छटपटा रही थी वो भी छटपटा रहा है, वो पीछे पीछे चला गया। तो गुरु को रास्ता में कहा आपने क्यों मना किया, आपने ही तो सिखाए थे कि अहिंसा परम धर्म है, और मैं वो काम करने के लिए उसको रोक रहा था जो कि पाप कर्म करने जा रहा था, लेकिन आपने छुड़वा दिया। उसने बोला चुपचाप चलो मेरे साथ, उत्तर नहीं दिया गुरु ने, अब शिष्य चला गया। ठीक कई वर्षों के बाद उसी रास्ता से फिर वह शिष्य और गुरु वापस आ रहे हैं। जब वापस आ रहे हैं तो रास्ते में देखा कि एक सांप पड़ा हुआ है, वो जीवित ही है, किसी वजह से वो रास्ते में है, पड़ा हुआ है, लेकिन उस सांप को
चिट्टी एंट्स, बड़े बड़े एंट्स पकड़ के खा रहे हैं मतलब जीवित सांप को भी। अब एंट्स तो डरते नहीं है ना सांप से, मनुष्य डरते हैं भागते हैं, वो थोड़े डरते हैं, वो पकड़ लिए इधर उधर पकड़ के खा रहे हैं पड़ा हुआ, वो मर रहा है मतलब अब मर रहा खा रहे हैं। तो इस शिष्य ने देखा, फिर इसके अंदर से एक आवाज़ आया, अहिंसा परमो धर्म, बचाओ सांप को। अब फिर शिष्य ने गुरु को छोड़ के दौड़ पड़ा, अब सांप को बचाना है, चिट्टियों को हटाना है और सांप को छुड़ाना है मुझे। ये तो चिट्टी हद कर दी इन लोगों ने, खा रहे हैं इसको, क्या हो रहा है। अब गुरु का ज्ञान था उसके अंदर में, हिला देता है ऐसे घटनाएं को देखकर, जैसे आप लोग हिल जाती हो कह रही थी ना, पूरा इमोशनल होकर दौड़ पड़ा वहाँ पर। फिर गुरु ने देखा, अरे कहाँ जा रहे हो तुम, फिर से बुलाया, फिर से पकड़ा उसको, हाथ खींचा, कहाँ जा रहे हो, रुझ देखिए उस वहाँ पे अहिंसा परमधर चिटिया खा रही है उस सांप को बचाना चाहिए, आप ही ने सिखाया ना। तो गुरु ने कहा, यही नियति है। नियति किसी, नियति नियति है, चल मैं अब समझाता हूँ तुमको। तुमने जब एक बार इसी रास्ते से जा रहे थे तो याद करो, वो जो मछुआरा था जो उन मछलियों को पकड़ रहा था, तो तुमने माना किया फिर भी नहीं माना। आज वही वो मछुआरा है, ये जो सांप है ना वही है, उस वृद्धावस्था के बाद मरने के बाद इसकी ये रूप लिया है, और वो मछलियाँ है जो सारे एंट्स है। यही नियति है, हर सुबह के बाद शाम, हर शाम के बाद सुबह, हर दिन के बाद रात, हर रात के बाद दिन, ये नियति है। वो सारी मछलियाँ चिटी है जो पकड़ पकड़ के खा रही है, वो तड़प रहा है, पहले उस दिन वो तड़पे, यही नियति है, यही कहा जाता है प्रकृति की नियति। तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और समझ में आया कि ऐसी चीज़ें हमारे आसपास घटे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नियति है। जितना कर सकते हैं तो आप तो करेंगे, लेकिन इसमें उलझ कर इमोशनल होकर रोना गाना स्टार्ट नहीं करना। अगर वो भी नियति में होगा तो करेंगे, फिर ज्ञान मिलेगा तो प्रबुद्ध बनेंगे, तब चीज़ें समझ में आएगी। तब एक दिन समझ में आएगा कि एक चेतना है, बस एक है सुप्रीम रियलिटी, द कॉन्शियसनेस, चेतना वही बह रही है, उसी के बहाव में ये सब सारी चीज़ें घट रही है। तो रोना धोना ये सब मिट जाता है यहाँ पे। और प्रबुद्ध होने के बाद आप तो रहते ही नहीं है, आप है ही नहीं, तो रोएगा भी कौन, शरीर रहता है। प्रेम करुणा के वजह से थोड़ी आंखों में आंसू आ जाती है, और उसी करुणा के वजह से तो ये प्रबुद्ध व्यक्ति भी का शरीर रह जाता है, वो भी खत्म, तो वो शरीर का तुरंत छोड़ना पड़ता है। करुणा मात्रा के कारण इस शरीर में शरीर भी रह जाता है। मैं आपको सिखा सकता हूँ, अगर आप पूरे आत्मा को जान लेंगे, आत्म तत्व को, कंसियसली आप बॉडी को कैसा छोड़ना चाहते हैं ये मुझे पता है। आराम से नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, अध्यात्म की शुरुआत तो बहुत पहले से मेरे जीवन में स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये घटनाएं घटती चली गई घटती चली गई। मुझे इतना करीबी आसपास कोई बैठ के समझाने वाला नहीं, नियति में था, नियति में घटती चली गई, और इसी नियति में सब ज्ञान अपने आप आते गए आते गए, समझ भी आती गई, इसकी भी ज्ञान अपने आप आती गई। बहुत मज़ा है इसमें, ये भी नियति में सब कुछ रहती है, याद रखना है। तो यहाँ पे मेरे शरीर बैठना, आप लोगों को यहाँ पे बैठना और सुनना, प्रश्न करना, प्रश्नों को उत्तर मिलना, ये सब इसी नियति में घट रही है। ये समझ में आ जाए तो आपके अंदर में यूं ही
आप देखोगे कि यहाँ से जो बहुत सारी जर्नी है उसमें बहुत सुधार भी आने लग जाएंगे, जो नई नियति आप अपने बनाओगे, क्योंकि आपके एक्शन से अब नई नई भी तो बनती है ना वर्तमान में। पुराने जो हमारे फिक्स हो चुकी है बहुत सारी चीज़ें, बीच में वर्तमान में तो हम भी कुछ करते हैं जो कि आगे जाकर और भी बनती है, उसमें सुधार आ जाएंगे। फिर तो मनुष्य को इसीलिए सर्वोपरि देहधारी जीव बताया गया है, क्योंकि उसका ब्रेन अन्य जीव जंतुओं के विकास की तुलना सबसे विकसित है और चेतना है। तो इस ऑटोमेशन में ये ऐसा ऑटोमेशन है कि उसमें ये ब्रेन के विकास के वजह से वर्तमान में जब वो अपना कर्म करता है वहाँ से कुछ बदलाव भी करता है जो कि भविष्य में जाके बदल जाता है, उसकी नियति बदल जाती है। लेकिन वो बेहोशी में आप करते जा रहे हो वर्तमान में भी, तो वो सब घटनाएं तो घट रही है लोगों के जीवन में। फिर नीति के अंदर नियति, 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 पूरे ब्रह्मांड एक नियति में ही ऑटोमेशन में सेट। लेकिन इस नियति में अपने भविष्य की नियति को कैसे बनाना है, कुछ हिस्सा आपके अंदर भी है, क्योंकि आप भी आपके अंदर में फ्री विल है, एक फ्रीडम है कुछ चूज करने के लिए, क्योंकि आप मनुष्य हो। गाय बकरी को यह समझ नहीं है लेकिन आपको समझ में है, इसीलिए सबसे देहधारी जीव में सबसे प्रधान मुख्य सुप्रीम मनुष्य को कहा गया, क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही ये क्वेश्चन कर सकता है, हु एम आई, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्या है। गाय बकरी कुछ नहीं करते हैं, बकरियों से क्या, बकरी इस झमेला में पड़ती नहीं कि भगवान है या नहीं, गाय बकरी पड़ते ही नहीं भगवान है ही नहीं, दुख है सुख है क्यों है, उनको इस झमेला में नहीं पड़ना है, वो मस्त रहते हैं जहाँ भी रहते हैं जैसे भी रहते हैं। पढ़ते हैं तो मनुष्य पढ़ते हैं, और मनुष्य अपने सुखों को पाने के लिए जितनी चीज़ें कर रहे हैं सब सुख को पाने के लिए कर रहे हैं। तो यह नीति है, तो आगे की नीति कैसे बनाएं ये आपके हाथ में याद रखना है, इसी को मैं कहता हूँ। देखो थोड़ी सी समझ में आ जाए तो दिखेगी चीज़ें आपको। हालांकि ये साइंटिफिक तो प्रूफ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई कोई चीज़ें आप अपने अंतर ध्यान से और ध्यान में उस चेतना में रहकर सब समझ में आ जाती है, क्योंकि समझ और आपकी ध्यान और चेतना इसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। पक्षी जब तक जिंदा रहती है, पक्षी क्या खाती है, कीट पतंगे खाती रहती है ना, मरने के बाद उसको वही खाते हैं कि नहीं खाते, यस बोलने जोर से, हाँ समझ में आई है। ज़्यादा अभी मछली निकालेंगे तो एक दिन पानी में जाकर डूब के मरेंगे, वो मछलियाँ खाएंगे फिर, ठीक है। रोना धोना बंद कीजिए आज के बाद से आप लोग, इसे याद रखिएगा, वट एवर इज हैपनिंग परफेक्टली, ऐसे ही तो होना चाहिए था। कैसे, एक्सीडेंट होकर पैर टूट गया, हाँ क्यों ऐसे सोच रहे, मेरे सोचने से क्या ठीक थोड़ी हो जाएगा, वो हो गया, देखो ना तुम हो गया। अब इसका मतलब नहीं है कि आप जानबूझ के तोड़ने जाओ किसी का पैर, और ऐसा भी होना होगा तो होगा ही। जो घटनाएं अभी घट रही है ये पहले से नीति बन चुकी है, और घटने में भी आप एक भविष्य की नीति बना रहे हैं, इस बात को समझ लेना है।